तो जो लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज है कि उनको जियो फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन लेना चाहिए या फिर जियो फाइबर का पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहिए, उनको मैं आपको बता दूं कि अगर आपको घर में जो है टीवी देखना है, लाइव टीवी देखना है, सेट टॉप बॉक्स चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट भी यूज करना है, तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप पोस्टपेड कनेक्शन ले लीजिए, ठीक है। बिकॉज पोस्टपेड में क्या होता है कि सिर्फ 700 रुपीज आप पर महीना दोगे, जिसमें आपको यहाँ पे 30 Mbps के हिसाब से आपको अनलिमिटेड डेटा वगैरह भी मिलेगा, एंड यहाँ पे आप लाइव टीवी चैनल्स भी देख सकते हो, 550 लाइव टीवी चैनल्स मिलेंगे, 14 OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे OTT एप्स को भी इंजॉय कर पाओगे एंड लाइव टीवी चैनल्स वगैरह भी देख पाओगे, तो वो पोस्टपेड में आपको सस्ते में पड़ेगा। वही अगर प्रीपेड में लेना चाहोगे तो प्रीपेड में आपको यहाँ पे 999 का एक रिचार्ज आता है 150 Mbps का, बट उसमें आप GST मिलाकर 1200 रुपीज के आसपास, 1172 रुपीज के आसपास उसका जो है वो रिचार्ज पड़ता है, तो इसमें आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा प्रीपेड में, ठीक है। बट आप सिर्फ यहाँ पे जो है चाहते हो कि आप टीवी वगैरह देखना चाहते हो, घर में लोग इंटरनेट भी यूज करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बेस्ट होगा कि आप पोस्टपेड ले लीजिए, वो आपको यहाँ पे हर मंथ 700 रुपीज के आसपास पड़ेगा। आप चाहो तो प्लान को चेंज भी कर सकते हो, उसको बढ़ा भी सकते हो, बट मिनिमम आपको इतना का सारा रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है।